अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है उसमा और आप देख रहे हो उसमा राजपूती यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि सब जानते हैं कि 2021 जून से किस आने वाला है, तो उसके लिए जो सा मैं फोटो विद नेम वीडियो स्टेटस ले आया हूँ, तो यहाँ पे किस मैं आपको एक डेमो प्ले करके दिखा देता हूँ। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अच्छे वक्त में आपकी बजाते हैं और जब मुश्किल वक्त आता है। तो कि जैसे कि आपने डेमो वीडियो में देखा फोटो विद नेम स्टेटस, तो अगर गाइस आप भी चाहते हैं कि आप इस तरीके का जो सा अपने खुद के लिए या किसी को विश करने के लिए गाइस फोटो विद नेम स्टेटस में अपने मोबाइल के ऊपर क्रिएट कर सके, तो ये मेरी वीडियो आपको अंत तक लाजमी देखनी होगी। और इस वीडियो के गाइस आपने कमेंट सेक्शन के अंदर आपने मुझे ये बात लाजमी बतानी है कि आपको नेम आर्ट चाहिए या नहीं, तो इसके लिए भी जो सी एक अलहदा वीडियो इंशाल्लाह एक दो दिनों के अंदर मैं बना दूंगा, लेकिन गाइस आपको कमेंट्स लाजमी करना होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और आगे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी डेली की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए गाइस मेरा टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले आपने जो अपना काइन मास्टर है वो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे किस आपने जो सी 100.9 की जो सी स्क्रीन है वो किस आपने ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद किस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक टेम्पलेट वीडियो का लिंक दिया होगा, वो किस आपने वीडियो डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड कर लेनी है। तो इस टेम्पलेट जो सी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है जो कि 15 सेकेंड की है। अब इस आपको यहाँ पे एक ओवरले डाउनलोड करना है, तो लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। यहाँ पे किस आपको ओवरले का एक ऑप्शन आएगा, तो किस आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे किस मैं आपको एक ओवरले दिखा देता हूँ जो किस आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे किस आप देख सकते हैं ये ओवरले है, और यहाँ से किस आप जो सा दो साइज चूज़ कर सकते हैं, यानी कि दो जो से पैटर्न आप चूज़ कर सकते हैं। पहला जो सा किस एक दायरा है और दूसरे नंबर पर आ जाता है एक चौरस जो सा बॉक्स। तो यहाँ पे गई जो मैं चौरस बॉक्स ऐड करूँगा, देन ओके के ऊपर क्लिक कर लूँगा। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद अब किस आपने जो सा इसका साइज़ है वो किस आपने इतना भरा लेना है ताकि इन दोनों जो सा टेक्स्ट है एक गाइज ऊपर आप देख सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर, और नीचे जो सी गई एक बीट है इसके मिड के अंदर गई ऐड हो सके। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं ये रेड लाइन के बिल्कुल मुताबिक गाइस आपने जो इसको ऐड कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड करने के बाद गाइस आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद अब गाइस आपको यहाँ पे ज़रूरत है एक इमेज की, तो लेयर ऑफ मीडिया की यहाँ पे जो उसमें एक इमेज है वो गाइस आपने यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो इस फोटो जो सी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, ऐड करने के बाद यहाँ से गाइस आपने इसको गौर से समझ लेना है। सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पे करना क्या, क्रॉपिंग वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। यहाँ से गाइस आपने जो अपनी इमेज को गाइस आपने बॉक्स के अंदर यानी कि जितना गाइस आपने ओवरले ऐड किया उस हिसाब से गाइस आपने जो इसको क्रॉप कर लेना है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। देन गाइस आपने मार्क्स वाले ऑप्शन को अलाउ कर लेना है, और फैदर जो गाइस आपने इसका फुल भरा लेना है कुछ इस तरीके से। भराने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब इस फैदर जो मैंने इसलिए भराया है ताकि गाइस ये जो साइडों के ऊपर आपने ये जो सबसे पहले बॉक्स ऐड किया है ये पता ना लगे कि गाइस आपने सबसे पहले कौन सा ऐड किया। इससे गाइस आपने कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये फोटो हमने जो ऐड की इसको जो गाइस थोड़ा सा भरा ले गए ताकि यहाँ बिल्कुल ठीक तरीके से एडजस्ट हो सके। थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और थ्री डॉट्स वाले ऑप्शन के ऊपर जाके गाइस आपने जो इसको सेंड टू बैक के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और ओके के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं फोटो जो सी हमारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब गाइस आपने इन दोनों लेयरों को जो सा किस फुल एंड तक ले जाना है, जितना गाइस आपका स्टेटस है। यहाँ से किस ओवरले आ चुका है एंड पे, ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, और उसके बाद गाइस जो सा यहाँ पे ऐड हो चुकी है हमारी इमेज। अब किस आपको यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे किस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दो टेक्स्ट ऐड किए, एक गाइस वेलकम और दूसरा 2021। ये दोनों के गई जो से कलर हो गए वो गाइस आप ऊपर देख सकते हैं। हैप्पी न्यू ईयर के गई जो से तीन कलर है, उसी हिसाब से गाइस आपको ये दोनों टेक्स्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले गाइस जो से मैं यहाँ पे वेलकम या 2021 इन दोनों में से गाइस कोई एक ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले गाइस जो से मैंने यहाँ पे वेलकम ऐड कर लिया है, और शायद जो से इसका मैं भरा लूँगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं, और भराने के बाद इसको जो सके इसमें बिल्कुल इस लाइन के हिसाब से गई जो से इसको बिल्कुल मिड के अंदर ऐड करूँगा। यहाँ पे किस आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, देन ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद अब मैं इस यहाँ पे जो सा 2021 वाला जो सा इस टेक्स्ट है वो इसमें यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो 2021 वाला जो सा इस टेक्स्ट है वो इसमें यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से गई जो इसका साइज भरा ले गए, देन उसके बाद आपने जो सा इसको भी गई आपने बिल्कुल उसके सामने यहाँ पे ऐड कर लेना है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और ओके के ऊपर क्लिक कर लेना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद इन दोनों लेयरों को गाइस जो सा फुल एंड तक ले जाना है, जितना गाइस आपका स्टेटस होगा। तो ये 2020 की जो सी टेक्स्ट इसको एंड तक ले जाता हूँ, देन उसके बाद गाइस जो सा आपने वेलकम टेक्स्ट जो सा वो आपने एंड तक ले जाना है, देन ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पे ज़रूरत है आपके नेम आर्ट यूज़ करने की, तो लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा। टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जो उसमें अपने चैनल का नाम है वो इसमें यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। चैनल का नाम जो सा किस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, देन ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पे ज़रूरत है एक फाउंड की, तो फाउंड वाले ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा,
और यहाँ पे जो सब फाउंड है वो इसमें एक चूज़ कर लेता हूँ। तो वैसे तो इस मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फाउंड है, तो इनमें से कोई एक अच्छा सा फाउंड ऐड कर लेता हूँ, तो ये वाला ऐड कर लेता हूँ। देन ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी आपने यहाँ पे कलर चूस है वो गीज़ आपने वो चूज़ करना है जो गई इसके ऊपर अच्छा लगे, और वो जो सा गईज़ अच्छा लगेगा वो लगेगा गई एक कलेजी कह सकते कलेजी कलर है या मिट्टी कलर आप जो मर्जी कह ले उसको ब्राउन टाइप का। तो यहाँ पे इसमें जाऊँगा कलर वाले ऑप्शन के ऊपर, और यहाँ पे जो सा तीसरे नंबर पे कलर है ये इसमें यहाँ पे ऐड कर लूँगा। देन ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके मैं गई जो सा इसको बिल्कुल नीचे कर दूँगा इक्वल में ला के, यानी कि बिल्कुल गई आपने मिड में ला के इसको गई जो सा आपने नीचे की तरफ ऐड कर लेना कुछ इस तरीके से, यहाँ पे गई आप देख सकते और ओके के ऊपर क्लिक कर लेना। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे गई आपने देख लेना कोई एडजस्टमेंट खराब तो नहीं है, तो नेम जो सा थोड़ा और नीचे कर देते क्योंकि जगह बची हुई है। तो कुछ इस तरीके से कि मैंने यहाँ पे अपना नेम ऐड कर दिया। देन ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी आपने इन सारी लेयरों को जो है एंड तक ले जाना जितना कि आपका स्टेटस होगा, एंड तक ले जाने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब इस आपने लास्ट के ऊपर जो है इन दोनों टेक्स्ट के ऊपर यानी कि वेलकम और 2021 वाले टेक्स्ट के ऊपर गई आपने जो है यहाँ पे एनिमेशन यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसमें आपको दिखा देता हूँ जो सा आपको एनिमेशन यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो है वेलकम है उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है इन एनिमेशन के ऊपर, और यहाँ पे इसे एक आपको एनिमेशन दिखा देता हूँ स्वाइप करके कहीं कोई एनिमेशन होगा, सॉरी वाइप करके, स्वाइप नहीं वाइप करके। तो इसको जो सके इसमें इस तरीके से ऐड करूँगा, यानी कि सबसे पहले अप वाला ऐड करूँगा, इधर गया ये डाउन वाला, सॉरी डाउन वाला ऐड करने के बाद वाइप डाउन वाला ऐड करने के बाद यहाँ पे जो इसका टाइमर है वो इसमें 5 सेकेंड के करीब कर दूँगा ताकि बिल्कुल स्लो ऐड हो कुछ इस तरीके से, और भी ज़्यादा गई आप स्लो कर सकते हैं वो गीज़ आपकी मर्जी। देन गई आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद 2020 के ऊपर गई जो सा आपने इन एनिमेशन के ऊपर जाना है, और उसका जो सा गीज़ आपको ओपोजिट एनिमेशन है वो गीज़ आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो जैसे कि वाइप अप किया था तो देख लेते यहाँ पे, सॉरी वाइप डाउन किया था तो अब जो सा गीज़ आप करके देख लेते ये वाला, और इसके ऊपर गई आपने जो सा 5 ऐड कर लेना है। यहाँ पे गई आप देख सकते 5 की जगह ऊपर के गई आप इसको जो सा भरा कर लीजिएगा, क्योंकि गई यहाँ पे जो से 4 लफ्ज़ है 2021, और जबकि वेलकम के अंदर गई आपको 6 से भी ज़्यादा आपको अल्फाज मिल जाते हैं। तो कुछ कुछ इस तरीके से जो सा ये स्लो स्लो ऐड होगा। देन ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपका ये जो सा स्टेटस है ये गई क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से गई आप जो सा एक खूबसूरत स्टेटस अपने मोबाइल के ऊपर ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।